उन्होंने पूर्व से देख रहे हैं वो लोग कि जो भी प्रत्याशी थे, ठगने का काम किया है, झांसे में आने का काम किया है, धनबल से चाहे बाहुबल से जैसे भी हो, इन लोगों ने सिर्फ सत्ता हासिल करने का काम किया है। तो हम काम के आधार पे मांग रहे हैं वोट, ना धनबल पे ना बाहुबल पे, हम अपने व्यक्तित्व पे, अपने समाज के बल पे, इसके लिए हम मतदान मांग रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से हमारे पंचायत में चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या इंदिरा आवास हो, या राशन कार्ड का जो मुद्दा है, वो जितने भी ज़रूरत के अनुसार, जितने भी ज़रूरी आवश्यकता वाले आदमी हैं, उनके पास ये ऐसा कुछ साधन पहुँच नहीं रहा है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति 16 से 18 हज़ार रुपया बाढ़ पीड़ित का मुआवजा भी दिया जाता है। तो एक तो 6 हज़ार दिया जा रहा है जो कि काफ़ी कम है, उस 6 हज़ार में भी 20 से 30% ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा ही नहीं आया है। और इस वार्ड में लगभग 17 से 18 बकू भूसा दिया जाता है, जो कि एक आदमी का इतना कैपेसिटी है, जो एक आदमी बाढ़ में इतना भूसा खिला सकता है अपने जानवर को, और वो 17 से 18 बकू में पूरा मतलब वार्ड को दिया जाता है। प्राथमिकता हमारी सबसे पहले जो होगी वो स्वास्थ्य, वो यहाँ पे एक भी स्वास्थ्य भवन नहीं है, स्वास्थ्य की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो यहाँ से जाते हैं तो अपने बरौनी, जो गर्भवती महिला थी, जो वृद्ध थे, वो नाव से या डेंगी से वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे। जो सामुदायिक रसोई होता था वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, जलावन तो अलग, घर में ही पानी थी तो फिर चूल्हा का व्यवस्था नहीं था। तो इस साल जब हम थोड़ा सक्रिय हुए हैं पंचायत चुनाव में, तो सीओ साहब से बात करके हमने जितने भी थे ऐसे प्रेग्नेंट महिला थे, वृद्ध थे, जो नहीं जा सकते थे, जो अस्वस्थ थे, उन लोगों को घर घर सरकारी राशन, वो जो पका हुआ भोजन दिया जाता था, सबको हम घर घर एकदम वितरण करवाए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह अभिनी पनिया मधुरापुर आई हुई हूँ, और वही पंचायत में, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये मुखिया प्रत्याशी हैं जो इस बार नए मैदान में उतरे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में बहुत कुछ बदलाव देखने को आया है, और साथ ही बहुत सारे प्रत्याशी इस बार अपना भागीदारी दे रहे हैं, खास करके युवा जो है इस बार ज़्यादातर उनकी संख्या दिखाई दे रही है। क्या कारण है वो नए नए प्रत्याशी से हम लोग मिलने की प्रयास कर रहे हैं और जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो भी बैठे हैं वो भी नए प्रत्याशी हैं और इस बार पहली बार मुखिया पद पर अपना नॉमिनेशन करवाए हैं, और साथ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है और क्या कारण है कि युवा राजनीतिक में आ रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन सिंह नाम हुआ मेरा। कितना पढ़े हुए? पीजी तक किए हुए हैं। क्या करते हैं? हम तो अभी तक छात्र संघ में थे, और उसके बाद विगत 1.5 साल से जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें हम बैठे हुए थे, और भाजपा के युवा मोर्चा के हम जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जी, मतलब लगभग राजनीतिक में आपका जुड़ा हो चुका है? जी, वो लगभग 10 साल से है जुड़ा मेरा। मुखिया पद पे चुनाव लड़ने के पीछे क्या कारण है? मुखिया पद के पीछे चुनाव लड़ने का मेरा जो कारण था, वो मेरा जो पंचायत था निपनिया मधुरापुर, इससे 7 वार्ड जो था, इसका 14 वार्ड था, तो इसे 7 शेष वार्ड कट के नगर परिषद में चला गया। उसके बाद जो हम 7 वार्ड बचे थे, उस 7 वार्ड को एक विशाल पंचायत जिसकी मतदाता लगभग 12,500 है, बरौनी 2, उसमें मेरा पंचायत मर्ज किया जा रहा था, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भी बहुत बड़ा होता, जनसंख्या के भी आधार पर बहुत बड़ा होता, और उससे भी बड़ा दिक्कत ये था कि मेरा जो ये इलाका है हर साल बाढ़ ग्रसित होता है, और उचित मुआवजा या मुहैया वैसे भी नहीं मिल पाती है। उसके बाद जब इतना विशाल हो जाता तब तो इसके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है। जी, तो आप क्या सोच लेके आए हैं इस बार? इस सोच मैडम, जैसा हम देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों से हमारे पंचायत में चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या इंदिरा आवास हो, या राशन कार्ड का जो मुद्दा है, वो जितने भी ज़रूरत के अनुसार, जितने भी ज़रूरी आवश्यकता वाले आदमी हैं, उनके पास ये ऐसा कुछ साधन पहुँच नहीं रहा है। लगभग 30% आबादी जो है हमारे गाँव का, जिसको कि एकदम उपयोगी है राशन कार्ड, उन लोगों को भी राशन कार्ड ये सब नहीं मिल रहा है। आप जो पद पे खड़े हुए हैं उनका क्या क्या काम होता है ये आपको पता है? जी जी पता तो है, थोड़ा बताना चाहिएगा। हमारे जैसे ये पंचायत है मुखिया पद, मुखिया पद का डोर टू डोर हर एक व्यक्ति का
क्या मतलब कष्ट है, क्या दुख है, कौन कौन से सरकारी सुविधा है जो उन्हें नहीं मिल रही है, उन चीज़ों से हर एक लोग को अवगत कराना, आम सभा के द्वारा हर लोगों को ये बताना कि अपने पंचायत में ऐसा कुछ काम है जो आया है, जो आने वाला है, सर्वसहमति से उन सब कामों को करना है। अच्छा, अभी जब आप चुनाव का टाइम चल रहा है, अभी आप डोर टू डोर वोट मांगने के लिए घूमते होंगे, तो क्या क्या समस्या उभर के भी आ रहा है, क्या क्या ज़्यादातर कौन सा समस्या जो सबके मुंह से आपको वही सुनने को मिला? ज़्यादातर जैसे राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, और उसके बाद उससे भी बड़ा बाढ़ पीड़ित जो अभी कुछ महीने पहले बाढ़ गई है हमारे गाँव से, तो बाढ़ में प्रत्येक व्यक्ति एक तो 6,000 रुपया दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि बहुत कम है। ऐसा 2011 में भी मिलता था, 2012 में भी मिला, 16 में भी मिला, मतलब 11 से 6,000 मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति। और आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति 16,000 से 18,000 रुपया बाढ़ पीड़ित का मुआवजा भी दिया जाता है। तो एक तो 6,000 दिया जा रहा है जो कि काफ़ी कम है, उस 6,000 में भी 20 से 30% ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा ही नहीं आया है, जिसके कारण वार्ड सदस्य हो या मुखिया जी हो या जो भी दोषी हो, बहुत ज़्यादा अगर आप पंचायत में भ्रमण करिएगा तो ऐसा शिकायत आपको सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलेगा। उसके बाद जो पशु है, पशु चारा के लिए कोई व्यवस्था बाढ़ में पूरा भूसा है या घास है, पूरा गांव जलमग्न रहता है, तो सरकारी व्यवस्था के द्वारा वार्ड नंबर 14 मेरा जो है ये वो क्षेत्रफल के अनुसार भी और मतदाता के अनुसार भी सबसे बड़ा है इस पंचायत का वार्ड, और इस वार्ड में लगभग 17 से 18 बकु भूसा दिया जाता है, जो कि एक आदमी का इतना कैपेसिटी है, जो एक आदमी बाढ़ में इतना भूसा खिला सकता है अपने जानवर को, और वो 17 से 18 बकु में पूरा मतलब वार्ड को दिया जाता है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मोतियों की माला छाप है, पहला क्रमांक पे भी है। पहला क्रमांक जी। आप अगर जीत जाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग अगर आप पे भरोसा करके आपको वोट दे देते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी जीतने के बाद? प्राथमिकता हमारी सबसे पहले जो होगी वो स्वास्थ्य, वो यहाँ पे एक भी स्वास्थ्य भवन नहीं है, स्वास्थ्य की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो यहाँ से जाते हैं तो आप बरौनी अम्बे हॉल के पास देखिएगा, एक फ्लाई आती है, केबिन है, वो केबिन लगभग आधा से एक घंटा तक हमेशा गिरा हुआ ही रहता है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है पेशेंट तो वहीं दम तोड़ते हैं, और अब तक लगभग सैकड़ों लोगों ने वहाँ दम तोड़ा है। तो एक फास्ट एड के लिए भी एक स्वास्थ्य केंद्र भवन होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को राशन कार्ड की आवश्यकता है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, यही सब। देखिए, आप नए आए हैं इस वार्ड और नए चेहरे हैं सबके लिए, भले आप यहाँ के स्थानीय लोग होंगे ये एक अलग मैटर, विगत 5 साल और इस पद पे आपको रहना है, ये बहुत बड़ा पद हो जाता है और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सबके लिए भरोसा करना। क्या आपके मन में कभी ऐसा लगता है कि आपको यहाँ के लोग मौका देंगे, वोट देंगे या नहीं? जी जी, एकदम लगता है, लगता है, लोगों के सहयोग से ही हम खड़े हुए हैं। अच्छा जी, तो आपको मन में डर नहीं लगता होगा? ना ना ना, डर पहले। चलिए, तो अच्छी बात है, डर लगना भी नहीं चाहिए। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा जब आपके गांव में आती होगी, हर साल आती होगी, क्योंकि आप तो गंगा किनारे में ही बसते हैं, यहाँ तक नाव आती है, क्या स्थिति होती है? बहुत भयावह होती है, और उससे भी ज़्यादा जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो गर्भवती महिलाएं रहती है, उन सबों के लिए एक समुदाय रसोई व्यवस्था किया गया था, वो स्कूल जो जहाँ पे आप आते होंगे, तो उस समुदाय रसोई के पास जो गर्भवती महिला थी, जो वृद्ध थे, वो नाव से या डेंगी से वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे, जो सामुदायिक रसोई होता था वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, जलावन तो अलग, घर में ही पानी थी तो फिर चूल्हा का व्यवस्था नहीं था। तो इस साल जब हम थोड़ा सक्रिय हुए हैं पंचायत चुनाव में, तो CO साहब से बात करके हमने जितने भी थे ऐसे प्रेग्नेंट महिला थे, वृद्ध थे, जो नहीं जा सकते थे, जो अस्वस्थ थे, उन लोगों को घर घर वो सरकारी राशन, वो जो पका हुआ भोजन दिया जाता था, सबको हम घर घर एकदम वितरण करवाए हैं। चलिए, तो अच्छी बात है, आप यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं। क्या इससे पहले भी आप यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कोई काम आपके द्वारा हुआ है? जी, बहुत ऐसा ऐसा बहुत काम हम किए हैं, जिसमें हम छात्र संघ से भी जुड़े हुए थे, तो रक्तदान ऐसा पूरे जिला का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे APSM कॉलेज के रक्तदान का था, लगभग 80 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान किया था। उसके बाद रोटरी ब्लड क्लब वाले जो थे वो लोग मना कर दिए कि नहीं नहीं, इसके बाद समुचित व्यवस्था हम लोगों के पास ब्लड रखने की नहीं है, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो एक कार्ड दिया गया था, बाद में आपको बुलाया जाएगा, दिया मतलब दीजिएगा।
अच्छा, आप भी युवा हैं और नए नए राजनीतिक में, इस राजनीतिक में पहली बार कदम, पंचायत चुनाव जिसे कहते हैं, आप भी पंचायत चुनाव विगत 2-3 महीने हमको लगता है बीत चुका है, आप भी देखे होंगे बहुत सारे युवा उभर के आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आपको भी तो खुद पता होगा, आप भी वही काम कर रहे हैं। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है और देश को जब भी आगे चलना चाहिए तो युवा शक्ति के साथ ही चलना चाहिए। हम लोग का एक परिषद था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसमें पूर्व से ही हम लोगों को मतलब बताया जाता था जो भारत युवा शक्ति का देश, एक ऐसा हम लोग का गीत था, स्लोगन था, तो वो हम लोग भी देते थे, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति ऐसा सब था स्लोगन। बिल्कुल सही बात है। चलिए हम एक और क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे कि आपके स्थानीय लोग भी जरूर यह वीडियो देख रहे होंगे अभी, और भी बहुत सारे ऐसे होंगे दर्शक जो अभी हम लोगों को देख रहे होंगे, तो कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाह रहे हैं अपने? संदेश तो यही है कि हम अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उन लोगों से अपील करते हैं और उनके विश्वास पर, जैसा कि उन्होंने पूर्व से देख रहे हैं वो लोग कि जो भी प्रत्याशी थे ठगने का काम किया है, झांसे में आने का काम किया है, धन बल से चाहे बाहुबल से जैसे भी हो, इन लोगों ने सिर्फ सत्ता हासिल करने का काम किया है, तो हम काम के आधार पे मांग रहे हैं वोट, ना धन बल पे ना बाहुबल पे, हम अपने व्यक्तित्व पे, अपने समाज के बल पे, इसके लिए हम मतदान मांग रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और साथ ही आने वाले समय में देखिए क्या होता है, लेकिन पहले से ही हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे चैनल से अभी जुड़े हुए थे। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। जो भी नए जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूँगी हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।